आईपीएल का नया सत्र शुरू होते ही सट्टेबाज भी सक्रिय हो गए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आईपीएल के मैचों में सट्टा लगाते हरियाणा के रहने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरिद्वार एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता कर पर्दाफाश किया है। दरअसल पकड़े गए सभी आरोपी हरिद्वार में हर की पौड़ी के निकट एक होटल में आकर ठहरे हुए थे और यहीं सट्टेबाजी गिरोह चला रहे थे। पकड़े गए 5 अभियुक्त हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसपी सिटी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें होटल के कमरे से गिरफ्तार किया है और इनके पास से लगभग 71,000 की नकदी के साथ ही 32 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप तथा LED टीवी बरामद की गई है। हरिद्वार से सुमेश खत्री की रिपोर्ट। आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, इसमें एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार सब जगह पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी और चेकिंग करवाई जा रही थी। उसी में हमें कोतवाली पुलिस को सूचना मिली तो इसमें COCT के नेतृत्व में टीम बना के इसको चेकिंग करवाई गई। तो यहाँ पर होटल में, कृष्णा हेरिटेज नाम के होटल में, ये 5 अभियुक्त मिले हैं जिनके पास से करीबन 32 मोबाइल और 5 लैपटॉप और नकदी 71,000 की नकदी भी प्राप्त हुई है। और इनके द्वारा बताया गया है कि आईपीएल मैचेस में इनके द्वारा सट्टा लगाया जा रहा था। तो यह इस पे सूचना पर पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। इसमें एसएसपी महोदय द्वारा इसमें 2,500 का इनाम भी टीम को दिया गया। 5 अभियुक्त ये हरियाणा के रहने वाले हैं और एक दिन पहले ही इन्होंने उस होटल में आए थे ये लोग, और ये उनके द्वारा वहीं से ये सारा अपना इनका ये किया जा रहा है। इसके बारे में हापुर में भी ये लोग इसी सट्टे आईपीएल में ही जेल गए हुए हैं और बाकी इनके बारे में विषय में इनकी जानकारी की जा रही है। इनके द्वारा वो बताया जा रहा है कि बैटिंग की जाती थी इसमें और ज़्यादातर चीज़ें सारी ऑनलाइन ही हो रही थी, फ़ोन के द्वारा किया जा रहा था। उसी के रूप में इनके वहाँ इनके पास से 32 मोबाइल्स मिले हैं जिसमें से 6 से ज़्यादा मोबाइल आईफोन के हैं और बाकी भी इनके द्वारा पूरी इसमें एक इनका पूरा नेटवर्क है। और इसमें इनके जो ये सट्टा लगाते हैं ये उस पर मतलब ओवरली रहता है, 20 उसका ओवर के हिसाब से लगाते हैं। और ये उस तरह के मतलब सारी टीम्स के बारे में मतलब जो हार जाती हैं विनिंग टीम और उसमें लगाया जाता है उस बारे में इसमें जानकारी की जा रही है इसमें इनके बारे में। और बाकी जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको हम विवेचना में इसमें सम्मिलित करेंगे।